टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे हौसला अफजाई करते हुए चैंपियन टीम इंडिया की। और अब देखिए जश्न की तस्वीरें आपके सामने है, देश भर से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, आतिशबाजी की तस्वीरें। और ये जश्न लाजमी भी है क्योंकि 2011 के बाद अब टीम इंडिया को ये जीत हासिल हुई है, तो ऐसे में जश्न जो है ये रुकने वाली तो नहीं है। ये जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। भोपाल आपको लिए चलेंगे, नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से जश्न में लोग वहां पर डूबे हुए हैं, क्या कहना है लोगों का बताइए। आप देख सकते हैं हम भोपाल में विश्वास सारंग जो खेल मंत्री के बंगले पर मौजूद है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। खुद विश्वास सारंग हाथ में तिरंगा लेकर जश्न मना रहे हैं। मंत्री से बात करेंगे, सर आज भारत मैच जीत बहुत प्रसन्नता की बात है, आज हिंदुस्तान जीता है, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। उम्मीद थी आपको मैच, निश्चित रूप से उम्मीद थी, भावना भी मैच बहुत खुशी का माहौल है, हम सब बहुत खुश है। आप जोर सबका देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट गेम था पर भारत ने कर दिखाया, बहुत खुश है। माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ये हमारे साथ एक और भाई साहब है, हमसे बात करते हैं, खुद तिरंगा लेकर। उम्मीद थी आपको भारत मैच जीतेगी? जब हमने देखा फर्स्ट इनिंग में, जब भारत ने रोहित, उसने शर्मा ने, रोहित ने अच्छे रन बनाए, तो हमें लगाया था कि भारत जीत जाएगी। वो भारत बहुत ही अच्छे से जीती, बहुत अच्छे से जीती। आप देख सकते हैं भोपाल में जश्न मनाया जा रहा है खेल मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर, और भारत के साउथ अफ्रीका से मैच जीतने के बाद से पूरे मध्य प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है। जी आयुषी, बिल्कुल नितिन आप बने रहिए हमारे साथ, दिल्ली से दिव्यांकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांकर, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तस्वीरें हैं दिल्ली वासियों की? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गेट के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है और भारत के विश्व कप जीतने के बाद तस्वीरें क्या हैं ये आप ठीक मेरे पीछे देख पाएंगे, किस तरह से तमाम सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, हाथों में कुछ लोग तिरंगा लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। ठीक इंडिया गेट के ठीक सामने की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक और इंडिया गेट है, दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट पर जिस तरह से तिरंगा चमक रहा है, वैसे ही बारबाडोस में आज तिरंगा लहराया है और साफ तौर से जिस तरह से आज जश्न का दिन है, उत्साह का दिन है और लोग यहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेंगे कि क्या उनका कहना है, इंडिया वर्ल्ड कप जीते, बहुत खुशी है जी इस बात की, बहुत खुशी मिली है इंडिया वर्ल्ड कप। इंडिया 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 इंडिया, कुछ
कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। कितना बड़ा दिन है आज, बहुत अच्छा लगा, इंडिया जीती तो आज दिल खुश हो गया बड़े भाई। विराट कोहली के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम के लिए और मोदी जी के लिए। भारत माता की, बहुत खुशी हुई, इंडिया मैच जीती बहुत ज्यादा। विराट कोहली का बहुत ज्यादा जबरदस्त वो था कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। कोहली इंडिया जीतेगी, खिलाड़ी बड़ा मैच, कोहली कोहली जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।